हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ऑन नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे लंबर पंक्चर के बारे में। जो लंबर पंक्चर है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से और जो स्किल प्रोसीजर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो लंबर पंक्चर है ये कई बार इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्वेश्चन आया वो मेनली साइट है और उसमें पोजिशन है, इसमें जो भी पोस्ट प्रोसीजरल हेडेक होता है उसके बारे में, इन तीन टॉपिक के बारे में इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। चलिए तो अब इसमें हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जो भी लंबर पंक्चर है हम इसको स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में स्पाइनल टैप का नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। जो भी लंबर पंक्चर है हम उसको स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर देखिए लंबर पंक्चर यह क्या है, यह एक प्रोसीजर है। जो भी अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो भी सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर नीडल इंसर्ट की करवाई जाती है और उसके द्वारा जो भी सीएसएफ फ्लूइड है वो विड्रॉल किया जाता है और इसके साथ में अगर कोई भी मेडिकेशन देना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कौन से केस में लंबर पंक्चर का हम यूज में लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट इंडिकेशन देखिए, इस प्रोसीजर की सहायता से जो कुछ डिजीज है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सिफिलिस है, मेनिनजाइटिस है, इन्फेक्शन है और मेलिग्नेंसी है, इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। जो भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन्फेक्शन है, मेनिनजाइटिस है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। सीएसएफ एनालिसिस करने के लिए अपने को जो भी लंबर पंक्चर प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा और इसके द्वारा जो भी सीएसएफ प्रेशर है, जो भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर है उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं और इसमें जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसको इंसर्ट करवा के जो भी डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं, मेडिकेशन इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कोई भी कीमोथेरेपी है और जो भी एनेस्थेटिक एजेंट है उनको हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, इसमें डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन में मैंने बता दिया मेनली किसके लिए, डायग्नोसिस और मेडिकेशन के लिए। इसमें नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर। तो जो भी लंबर पंक्चर का प्रोसीजर करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, तो मैंने इसको थ्री स्टेप में बताया, प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है। प्री प्रोसीजर में देखिए, प्री प्रोसीजर आपको पता है, प्री प्रोसीजर मतलब प्री मतलब पहले, प्रोसीजर से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो पेशेंट है उसको जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पेशेंट है आप उसको बताओगे कि उसका क्या होने वाला है, लंबर पंक्चर होने वाला है। तो जो भी लंबर पंक्चर है उसके क्या बेनिफिट है और क्या उसके जो भी डिसएडवांटेज है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है, वो भी आपको बताने पड़ेंगे। ये आपको प्री प्रोसीजर में पहले करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर के दौरान आपको क्या नर्सिंग एक्शन करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो भी कंसेंट है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें ये इसके बेनिफिट हैं और इसके ये इसके डिसएडवांटेज है, इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको क्या करना लेना है उससे कंसेंट। कोई भी आप प्रोसीजर करो, इन्वेजिव कोई भी प्रोसीजर होगा तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको लीगली बचाता है। इसमें नेक्स्ट देखिए, क्लाइंट के शरीर पर किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए और एलपी करने से पहले यूरिनेशन के लिए बोले, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का आप एलपी कर रहे हो, लंबर पंक्चर कर रहे हो, तो उसको पहले ये बोल के रखना चाहिए कि वो अपना जो भी यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली रखे, ठीक है। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है पोजीशन से। तो इसमें दो तरह की पोजीशन देते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, लाइंग ऑन साइड विद फिट डाउन एंड हेड लोअर टू द चेस्ट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी पेशेंट है उसको किस तरह की पोजीशन दी जा रही है। इसमें जो पेशेंट है उसको लेटा देते हैं साइड लाइन पोजीशन में, सी कर्व शेप होती है उस टाइप में। और इसमें सेकेंड पोजीशन है वो है सिटिंग ऑन साइड ऑफ बेड, जो बेड है उसकी एक साइड पे बैठकर और उसके आगे की तरफ एक टेबल रखी जाती है, वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी शेप की पोजीशन देखने को मिलेगी। इस तरह की पोजीशन इसीलिए काम में लेते हैं जो भी वर्टिब्रल कॉलम है उनके बीच का स्पेस है वो खुल जाए, ठीक है। जो भी वर्टिब्रल कॉलम है उनके बीच का जो स्पेस अगर वो खुल जाएगा तो हम जो भी नीडल है वो आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं और जो भी सीएसएफ है वो विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखिए, इंट्रा प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान क्या करना चाहिए। जो भी एलपी साइट है, जो भी लंबर पंक्चर की साइट है, उसको आप क्या करोगे, क्लीन करोगे और वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देना ज़रूरी है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में जैसे लिग्नोकेन काम में ले लिया, ठीक है, वो आपको देना ज़रूरी है पेन को कम करने के लिए। इसके बाद में जो भी नीडल है उसको आप सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर इंसर्ट करोगे। साइट, साइट कौन सी होगी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है साइट से। साइट होगी L3, L4 और या फिर L4 या L5।
अब मुद्दा रहा कि एग्ज़ाम में आपको दोनों ऑप्शन आ गए, L3, L4, L4, L5। अगर आपको जो भी साइट है अगर दोनों में से एक चूज करनी है, L3, L4 या L4 या L5, इन दोनों के बीच में, तो आप चूज करना L4 और L5। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या चूज करोगे, L4 और L5। जो भी लंबर फोर्थ वर्टिब्री है और लंबर फिफ्थ वर्टिब्री है उनके बीच का स्पेस है वो आप काम में लोगे। तो जो आपको मैं जो L4 और L5 का जो रिफरेंस बता रहा हूँ, ये एनक्लेक्स इलस्ट्रेट और प्लस जो भी ब्रूनर सिद्धार्थ है उसकी बुक से मैंने देखा है, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो L4 और L5 के लिए। ठीक है, इसमें मतलब जो भी स्पाइनल टैप करेंगे, मतलब जो भी एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, तो उसके लिए हम L4 और L5 है उसको हम मोस्टली यूज़ में लेंगे। पोस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में आप क्या करोगे, प्रोसीजर के बाद में आपको जो भी सैंपल लोगे, तो सैंपल है उसको आपको क्या करना है, जो भी आपका जो भी पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पे जो भी सैंपल है उसको एनालिसिस के लिए भेज दोगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो भी नर्सिंग एक्शन है वो क्या करोगे पोस्ट प्रोसीजर के बाद में, यानी प्रोसीजर होने के बाद में आपको नर्सिंग एक्शन है वो क्या करना चाहिए। तो जो भी पंक्चर साइट है उसको मॉनिटर करें, जो भी आपने पंक्चर साइट है जहाँ से आपने जो भी CSF लिया है या आपने कोई मेडिकेशन इंसर्ट किया है, तो उस साइट को देखोगे कि वहाँ पर किसी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में जो भी पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक है वो देखने को मिल सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं, उसको 4 से 8 घंटे तक सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, अगर जो भी पेशेंट है आपने उसको क्या किया है, लंबर पंक्चर किया है, तो उसके लिए उसको 4 से 8 घंटे तक आपको क्या रखना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि जो भी पोस्ट प्रोसीजर जो भी हेडेक है, ठीक है, जो भी लंबर पंक्चर के कारण जो हेडेक है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट एक लाइन देखिए, LP कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, LP है वो कौन से केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। ठीक है, तो जो भी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उस केस में आप लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसमें कभी भी लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इसमें CSF लीकेज हो सकता है, और अभी मैंने बताया था जो भी पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था लंबर पंक्चर के बारे में। अब हम जो भी लंबर पंक्चर है उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिजिशियन प्लान टू परफॉर्म ए लंबर पंक्चर स्पाइनल टैप टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक पेशेंट है उसके लिए प्लान किया जा रहा है क्या, लंबर पंक्चर, जो भी स्पाइनल टेप है वो प्लान किया जा रहा है, तो जो नर्स है जो भी क्लाइंट है उसको कौन सी पोजीशन देगी। ऑप्शन में देखिए, नी चेस्ट जेनु पेक्टोरियल पोजीशन, सिटिंग इन एन ऑर्थोपेनिक पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन विद नेक फ्लेक्स्ड, और फोर्थ प्रोन पोजीशन विद द हेड टर्न टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, आपको राइट आंसर है वो कमेंट करना है कि जो पेशेंट है आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे, लंबर पंक्चर होना है तो नर्स है उसको कौन सी पोजीशन देगी, राइट आंसर जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, साइड लाइन पोजीशन विद हिज नेक फ्लेक्स्ड, जो नेक है वो क्या रहेगी, ऐसे फ्लेक्स्ड रहेगी और उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे। ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो भी अगर हम उसको जो सी शेप की पोजीशन देते हैं तो जो भी इंटर वर्टिब्रल स्पेस है वो क्या हो जाता है, वो खुल जाता है, वो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है, तो जिससे आप जो भी लंबर पंक्चर है वो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर द लंबर पंक्चर हैज बिन परफॉर्म, तो जो भी लंबर पंक्चर है वो कर चुके हो तो उसके बाद में आपको कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो करना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, कीप द क्लाइंट इन ए साइड लाइन पोजिशन, असिस्ट द क्लाइंट इन टू ए सिटिंग पोजिशन, विद होल्ड फूड एंड फ्लूड फॉर 1 आवर, और कीप द क्लाइंट फ्लैट फॉर सेवरल आवर। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर है वो कमेंट करना है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, कीप द क्लाइंट फ्लैट फॉर सेवरल हाउस। क्यों? क्योंकि जो भी पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको क्या पोजीशन देंगे, फ्लैट सुपाइन पोजीशन देंगे कुछ घंटों के लिए। ठीक है, क्यों वो ज़रूरी है, जो भी CSF लीकेज है उसको रोकने के लिए, उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे, उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म ए लंबर पंक्चर, वेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द जुगुलर वेन ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर, द स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डॉक्यूमेंट।
तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक नर्स है जो एक हेल्थ केयर पर्सनल है, उसको क्या करा रही है, असिस्ट करा रही है लंबर पंक्चर के दौरान। तो उस दौरान क्या होता है, जो भी जुगलर वेन है उस पर अगर प्रेशर है उसको इंक्रीज किया जाता है, तो जो भी शेयर्स ऑफ प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो भी नर्स है ये कौन से साइन को डॉक्यूमेंट करेगी, ऑप्शन में देखिए, होमान साइन, रोमबर्ग साइन, चोस्टिक साइन और क्वेकस्टेड साइन। तो आपको राइट आंसर बताना है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा क्वेकस्टेड साइन। ठीक है, क्वेकस्टेड साइन में क्या होगा, प्रेशर ऑन द जुगुलर वेन कॉजेज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्वेकस्टेड साइन। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट, ए लंबर पंक्चर इज परफॉर्म्ड ऑन ए चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैव बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड इज ऑब्टेन फॉर एनालिसिस। द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ द CSF एनालिसिस एंड डिटरमाइंस दैट विच रिजल्ट वुड वेरीफाई द डायग्नोसिस। एक क्लाइंट है किसका, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको LP करते हैं, LP करके जो भी CSF है उसको विड्रॉल कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो भी CSF एनालिसिस करेंगे तो उसमें कौन से जो दिए गए ऑप्शन है वो डिटरमाइन करेंगे, तो कि जो बच्चा है उसको क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ऑप्शन में देखिए, क्लियर CSF, डिक्रीज प्रेशर एंड एलिवेटेड प्रोटीन लेवल। ऑप्शन सेकेंड, क्लियर CSF, एलिवेटेड प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। क्लाउडी CSF, एलिवेटेड प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। और ऑप्शन फोर्थ है, क्लाउडी CSF, डिक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर है वो बताना है, जल्दी कमेंट करें इसका आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, क्लाउडी CSF। क्लाउडी CSF, क्लाउडी मतलब जो CSF है वो नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लाउडी। क्लाउडी आपको कौन से केस में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन के केस में, उसमें आपको प्रोटीन का लेवल अभी वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, और डिक्रीज ग्लूकोज लेवल वो देखने को मिलेगा CSF के अंदर। जो भी इंक्रीज है वो डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, और इन्फेक्शन के अंदर जो भी ग्लूकोज का लेवल है वो CSF का वो क्या होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, क्लाउडी CSF, एलिवेटेड प्रोटीन और डिक्रीज ग्लूकोज लेवल है, ये किसको इंडिकेट करेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन LP के बारे में, ये था लंबर पंक्चर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।